मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। इतना मुझे बागवत जी के 5 सूत्र अब तक मैंने आपसे कहे कहना है। अब इन 5 सूत्रों पर कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको बागवत जी के 50 सूत्र बताऊंगा अगले 28 तक, अभी तक 5 बताए। कोई सवाल पूछना चाहे तो जी पूछिए, हाथ उठाइए। और मेरी विनती है भैया, कोई उठ के ना जाए, प्लीज थोड़ी देर रुकिए। ये सवाल हो सकता है आपके भी काम के हो, जरूरी नहीं है कि जिन्होंने पूछा उन्हीं के काम के, हो सकता है आपके भी काम के। थोड़ी देर सब रुकिए प्लीज। हाँ, आप मेहरबानी करके इन 5 सूत्रों को क्रम से एक बार फिर से। हाँ, अगर कागज पेन है तो लिख लीजिए, कॉपी है तो लिख लीजिए, डायरी है तो लिख लीजिए। और मैंने आपसे कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि नहीं लिख पाए तो भी चिंता मत करिए, ये सब सूत्रों की पुस्तकें भरपूर मात्रा में आ गई हैं। एक भाई कौन लेके आए, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ट्रांसपोर्ट में जाके, अंजनी कुमार जी हैं। हाँ, बहुत धन्यवाद आपका। ये अंजनी भाई, हमने कई पुस्तकें ट्रांसपोर्ट से भेजी थी, वो आ गई हैं, यहाँ पीछे हैं भरपूर मात्रा में। ये सब सूत्र उनमें विस्तार से है, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूं, आप वो भी ले जा सकते हैं बाहर, आज स्टॉल पर भरपूर पुस्तकें। हाँ, 5 सूत्र फिर से बताता हूं। सबसे पहला सूत्र जो मैंने कल कहा था कि भोजन को बनाते और पकाते समय सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श ना मिले तो वो भोजन नहीं करना। अब सूर्य के प्रकाश और पवन के स्पर्श का लंबा विश्लेषण मैंने कर दिया था कि आप प्रेशर कुकर का खाना नहीं खाना, माइक्रोवेव का खाना नहीं खाना, रेफ्रिजरेटर का खाना नहीं खाना। ये दूसरा जो सूत्र था बागवत जी का कि खाना पकने के 48 मिनट के अंदर खाना, खाना पकने के 48 मिनट के अंदर खा लेना, बचना नहीं चाहिए, दूसरा सूत्र, वो मैंने विस्तार से समझा। तीसरा सूत्र था कि खाना बनाने का जो सामान है, जैसे गेहूं का आटा, चने का आटा, दाल का आटा, या तो बाजरी, मक्की वगैरह वगैरह, तो गेहूं 15 दिन क्या, माने गेहूं का आटा 15 दिन पुराना तक खा सकते हैं। और ये जो मोटे अनाज कहे जाते हैं, ज्वारी है, बाजरी है, मक्की है, ये 7 दिन पुराने से ज्यादा ना हो। मतलब यह है कि घर में 15 दिन से पुराना आटा नहीं रखना, सीधा सा सूत्र है, हर 15 दिन पे नया आटा आता रहना चाहिए। उतना ही आटा पिसवाइए ना जितना जरूरत है। आप चक्की लाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं लाते तो भी चक्की पर जो आटा पिसवा कर ला रहे हैं वो 15 दिन से ज्यादा पुराना ना, ऐसा आप अपने घर में नियम बनाएं। तो ये तीसरा सूत्र है। चौथा सूत्र है बागवत जी का जो मैंने आपको समझाया कि आप अपने शरीर श्रम को 60 साल की उम्र तक कम मत करिए। मतलब यह है, उन्होंने एक उम्र बनाई है, बच्चा जब पैदा हुआ और 18 साल तक उनका एक कैटेगरी है, 18 साल से लेकर 60 साल उनकी दूसरी कैटेगरी है, और 60 साल के बाद 100-125 साल उनकी तीसरी कैटेगरी है। तो बागवत जी का सूत्र यह है कि 60 के आगे की जो कैटेगरी वाले लोग हैं, 60 से 100-125, इनके जीवन का श्रम कम होते जाना चाहिए, उम्र के साथ कम होते ही जाना चाहिए। ये ज्यादा श्रम ना करें तभी अच्छा है, इनको आराम ही करना है। तो 60 से आगे की उम्र वाले श्रम को कम करते जाएं उम्र के हिसाब। 18 से 60 के बीच के जो लोग हैं ये अपने श्रम को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं, 18 से 19 में थोड़ा ज्यादा, 19 से 20 में थोड़ा ज्यादा, 20 से 21 में थोड़े ज्यादा, ये है 18। और 18 से और एक साल वाले, माने जिनका जन्म हुआ है और 18 साल वाले, इनके लिए उन्होंने कहा है कि इनकी उम्र जो है ज्यादा श्रम करने की वहां है, जो इनको खेलने के रूप में है, आप वो माने कि श्रम है, जैसे बच्चा खेल रहा है ये उसका श्रम है, तो आप उनको ज्यादा खेलने दीजिए। मतलब यह है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को खेलकूद ज्यादा करने दीजिए, वो उनका श्रम है। 18 से 60 की उम्र में ऐसा श्रम जिससे उत्पादन भी होता हो, चक्की चलाई तो आटा बन गया, सिलबट्टा चलाया तो चटनी बन गई, माने उत्पादन कुछ ना कुछ हो, तो उत्पादक श्रम 18 से 60 के बीच में कम मत करिए, 60 के बाद इसको कम करते जाइए, और 18 से एक साल के बीच के बच्चों को उत्पादक श्रम मत कराइए, ये है। और आखिरी सूत्र, माने आज के हिसाब से आखिरी सूत्र, कि आप अपने जीवन में
तासीर का ध्यान रखिए, आबो हवा का ध्यान रखिए, वातावरण का ध्यान रखिए जहां आप रह रहे हैं, माने भौगोलिक परिस्थिति, एक शब्द में मैं अगर कहूं तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस। तो आपकी जो आबो हवा है इसका ध्यान रखिए। इसका ध्यान कैसे रखना, मैंने आपसे उदाहरण के रूप में कहा था कि भारत गर्म देश है और कनाडा ठंडा देश है। गर्म देश के लोगों में हमेशा वात की प्रबलता रहती है, शरीर का दोष है, अब उसको क्या करेंगे, वात की प्रबलता रहे ही पित्त और कफ आपका हमेशा कम रहेगा, इसलिए भारत के लोगों को वात के रोग सबसे ज्यादा है। भागवत जी कहते हैं कि भारत के लोगों को लगभग 70-75% रोग वात के हैं, 12-13% लोग रोग पित्त के हैं और 10% रोग कफ के हैं। कफ के रोग हमारे यहां सबसे कम है, पित्त के थोड़े ज्यादा, वात के सबसे ज्यादा, क्योंकि हम गर्म जगह रहते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि गर्म जगह में ऐसे काम मत करिए जिससे वात बढ़े। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, माफ करिएगा ये उदाहरण देते हुए, आप दौड़ लगाते हैं, रनिंग, इसमें वात सबसे ज्यादा बढ़ता है। हमारे यहां आजकल एक फैशन आया, मॉर्निंग में दौड़ो, दौड़ना नहीं है चलना है। चलने और दौड़ने में अंतर आप समझते हैं, दौड़ने में ऊर्जा बहुत शरीर की, गर्मी बहुत शरीर की बढ़ेगी और वात को बढ़ाएगी, वात बढ़ेगा तो ये घुटने बहुत जल्दी आपके थकेंगे। आप देख लो जितने हिंदुस्तान के रनर है ना, रनर 100 मीटर दौड़ने वाले, 200 मीटर, 35 साल के बाद किसी के घुटने काम नहीं करते, सब बैठ गए। मिल्खा सिंह को मैं मिला हूं, वो कहते हैं यार उस समय जो मैं दौड़ गया ना, अब पता चल रहा है कि उसका क्या असर, परमानेंट डैमेज हो गए हैं दोनों नी जॉइंट्स मिल्खा सिंह के। तो भारत दौड़ने वाला देश नहीं है, माने सुबह आप जाओ तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, रनिंग के लिए मत जाओ, जाओगे तो बात बढ़ेगा, बात बढ़ेगा तो तकलीफ आए। तो बागवती जी बहुत गहरी बात कह रहे हैं, जहां रहते हो वहां की आबोहवा और तासीर को ध्यान में रखो। हमारी आबोहवा गर्म है, गर्म हवा में वात बढ़ता है, ये याद रखो, तो वात बढ़े ऐसा कोई काम मत करो। और यूरोप वालों के यहां क्या है, कफ बहुत बढ़ता है क्योंकि ठंड है, ठंड में हमेशा कफ बढ़ता है, तो ठंडे लोग हैं, ठंडे देश हैं, ठंडा आबोहवा है तो कफ बहुत बढ़ेगा, तो वो उसका ध्यान रखें जो कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कि कफ मत बढ़ने दो। अब वात ना बढ़े हमारा, कफ ना बढ़े यूरोप और अमेरिका वालों का, तो सारी दुनिया निरोगी। पित्त जो है वो सम में वैसे भी रहता है, पित्त जो है ज्यादातर सम में ही रहता है। तो ये पांचवां सूत्र है, तो ये पांच सूत्र मैंने फिर से आपको बता दिया। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।